हेलो अच्छा लोग, मैं ले आऊं आपके लिए जेई मेंस एडवांस नीट क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 4। और भाई एक्चुअल में लेक्चर नंबर 4 नहीं, मेरे कहते हैं लेक्चर नंबर 10 या 11 है, क्योंकि यार जेई नीट सीरीज एक और चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें भी करीबन करीबन 6 लेक्चर्स हैं, वो 12th क्लास का है बेसिकली, 11th क्लास का है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, जब मैं कराने शुरू करूंगा तो वो वाला पार्ट नहीं कराऊं, क्योंकि ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस हैं उसके, ठीक है भाई। तो अब यार है क्या चीज, मैं आपको एक बात बता देता हूं, बढ़िया सी चीज बता देता हूं, ठीक है। मैं आज पढ़ाने वाला हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन भाई, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो मोशन इन 1D की चर्चा करी हमने 3 वीडियोस के अंदर, मोशन इन 2D की चर्चा करेंगे हम लोग 3 से 4 वीडियोस के अंदर, ठीक है बेटा। उसके बाद कहीं जाके लॉ ऑफ मोशन पे टिकेंगे, ठीक है। सर आप मुझे बता दो जरा, मोशन इन 2D क्या होता है ना, मैंने क्या पढ़ाने वाले हो सर आज, मोशन इन 2D। अच्छा, मतलब कि कैसा मोशन है बेटा, 2-डायमेंशनल मोशन है, 2-डायमेंशनल मोशन है बेटा। अच्छा सर, क्या खासियत होती है सर जी इसकी 2-डायमेंशनल मोशन की? 2-डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है बेटा कि कहीं पर भी अगर कोई भी क्या हो रहा है, मेरा मोशन हो रहा है ना, तो उस मोशन के अंदर मेरे किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या चेंज हो रहे होंगे बेटा, दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1D में मैंने बताया था ना, या तो x चेंज हो रहा हो, या y चेंज हो रहा हो, या z चेंज हो रहा हो। ऐसी 2D में क्या होता है, कोई भी दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे, इधर x और y है ना, इधर y और z, इधर z और x, ठीक है बेटा। अच्छा सर, अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे तो तीसरे कोऑर्डिनेट का क्या होगा बेटा, तीसरा कोऑर्डिनेट उस टाइम पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। जीरो भी नहीं कह सकते उसको, कह सकते कांस्टेंट हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है बेटा। अच्छा, तो दो कोऑर्डिनेट जब एक साथ चेंज करें, किसके साथ सर, टाइम के साथ, विद टाइम। अगर समय के साथ है ना किसी भी बॉडी के दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मोशन इन 2D बोलेंगे, ठीक है सर। और कुछ बताना चाहते हैं सर आप इसमें हमारे को? बिल्कुल बताना चाहता हूं बेटा कि अब पता क्या होता है कि अब हमारा जो मेन मुद्दा जो आएगा ना बेटा, वो पूरा का पूरा बेस्ड है वेक्टर्स पे। किस चीज पे बेस्ड है बेटा? वेक्टर। तो थोड़ा सा जनरल फॉर्मेटिंग करा दे रहा हूं वेक्टर्स की, ठीक है। तुम्हारे को पता है ए वेक्टर किस चीज से रिप्रेजेंट होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर की डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। वेक्टर का साइन कैसा होता है सर? वेक्टर का साइन होता है ऐसा, ठीक है। इसको हम हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, ठीक है। आगे सर, एक वेक्टर की जनरल फॉर्म होती है, हम यहां पर 3 एक्सिस कंसिडर करते हैं। अच्छा क्या होती है 3 एक्सिस में? कह रहे सर इन 3 एक्सिस में क्या होता है ना, एक एक्सिस को एक्स मानते हैं, एक एक्सिस को वाई मानते हैं, एक एक्सिस को जेड मानते हैं। एक्स एक्सिस पे पॉइंट आई कैप से दिया जाता है, वाई एक्सिस पे पॉइंट जे कैप से दिया जाता है, जेड एक्सिस पे पॉइंट के कैप से दिया जाता है। अच्छा अगर मैं बोलूं यहां पर मेरा एक पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा, 2, 3, 4, ऐसे मान लो। क्या कोऑर्डिनेट है बेटा इसके? 2, 3, 4। तो बेटा इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा सर जी, पोजीशन वेक्टर कहां से है, क्या होता है पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, जो कि ओरिजिन से शुरू हो और जिस पॉइंट का निकालना उस पॉइंट पे जाके क्या हो जाए बेटा, खत्म हो जाए। क्या हो जाए? उस पॉइंट पे जाके खत्म हो जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने आर से डिनोट किया है ना। अच्छा, कोऑर्डिनेट हमेशा मैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की फॉर्मेट में लिखता हूं। अच्छा, तो आर वेक्टर जो हमारा होगा वो क्या होगा, एक्स में कितना है 2, तो 2 एक्स की जगह पे क्या लगता है बेटा, आई कैप, प्लस सिमिलरली 3 जे कैप, 4 के कैप, है ना। तो किसी भी जनरल वेक्टर का जो हमारा जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है बेटा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। और अगर मुझे इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा? और दो वेक्टर्स है फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ये है तुम्हारा ए वेक्टर बोल रहे हैं इसको हम, एक वेक्टर ये है तुम्हारा, इसको बी वेक्टर बोल रहे हैं हम। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अच्छा ठीक है। अच्छा ए वेक्टर, बी वेक्टर, एंगल दोनों के बीच में थीटा। तो एक्चुअल में पता है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, सर रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट होता है बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करने पर जो है, दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करने पर जो आए उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा बेटा इसके समय कैसे आएगा सर, बीच में आएगा। और जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो किससे दिया जाएगा,
अंडर दी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में टू ए बी कॉस थीटा। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। क्या सर इसकी कोई डायरेक्शन भी होती है? बिल्कुल होती है बेटा, इसकी डायरेक्शन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर उसकी डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है? उसकी डायरेक्शन का फॉर्मूला है बेटा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। यह हमारा क्या देता है, टैन बीटा देता है। और इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। जिस बच्चे ने सीबीएसई पढ़ी है उसको ये चीज पता होगी। ठीक है बेटा, तो ये वाली चीज हमारे को पूरी पूरी क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से चमक रही है चीजें। तो यही हमारे क्या है, कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिन पर आज का पूरा जो लेक्चर है वो बेस्ड है। प्रोजेक्टाइल मोशन का भी बेटा बेस यही है। सर प्रोजेक्टाइल मोशन में इस चीज का क्या काम है, बेटा बताऊंगा अभी सारी चीजें, इस चीज का क्या काम है, उस चीज का क्या काम है। ठीक है सर, और कुछ तो नहीं बताना फिलहाल के लिए? नहीं बेटा, अभी फिर हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्लास का। अच्छा सर अभी से क्वेश्चन? बिल्कुल बेटा, जेईई मेंस तो क्वेश्चन करके निकलेगा ना। अच्छा तो क्वेश्चंस क्या है सर आपके, क्या है क्वेश्चन? ठीक है देखो बेटा क्या होता है कि मैंने बोला कि दो वेक्टर्स हैं। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं, वीडियो पॉज करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है बेटा? अच्छा तो बेटा ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर ये हमारा, क्या क्वेश्चन बोला है आपने? मैंने बोला है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, देखना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। मतलब कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसका, रिजल्टेंट कब आएगा जब दो वेक्टर होंगे, है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसका, दो इक्वल वेक्टर के, दो इक्वल वेक्टर। मतलब मेरे को दो वेक्टर दे रखे हैं, एक दे रखा है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा क्या है, सेम है, है ना। इंक्लाइंड एट एंगल थीटा मतलब ये दोनों वेक्टर्स कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, अच्छा एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को तभी समझ में आएगा क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये बात पकड़ के रखो, एक आता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, ये हमने यहां सेटअप बना लिया जो कि थीटा पे इंक्लाइंड है, है ना। तो इन वेक्टर्स के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इज इक्वल टू, वो बराबर है द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर टू वेक्टर्स, है ना। वो किसके बराबर है, किन्हीं भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है ना, तो इसी के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये कह रहा है अब इसी इस कंडीशन में तुम्हारे से थीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है यार, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। थीटा में निकालना है। अच्छा इन तीनों को मिला के क्या ले ले रहे हैं, एक्स ले लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी है, तो ये दोनों एक्स के बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। ये जो रूट है इसको इधर भेज दो, स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा अब ये टू एक्स स्क्वायर को इधर पटक दो ले आके, तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा ये नीचे ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, क्या आ गया कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू सर जी आ गई माइनस वन बाय टू, और यहां से थीटा कितना निकल कर आ जाएगा, 120 डिग्री। कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, 120 डिग्री। मतलब कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स में 120 डिग्री पे इंक्लाइन करूंगा तो उनका जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो भी किसके बराबर निकल के आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन्हीं दो इक्वल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर निकल कर आएगा बेटा। समझ में आ गया ये वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बड़ा आसान सा कंसेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, अच्छा आगे क्या सर, ये तो आपने क्या करा दिया, वेक्टर्स पर क्या करा दिया, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा दिया। अच्छा अब देखते हैं बेटा आगे, अब बेटा मैं डायरेक्टली चलना पसंद करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ठीक है, ये जस्ट तुम्हारे रिवीजन के लिए था कि ताकि तुम्हारे को पिछला सारा का सारा कंसेप्ट याद आ जाए। ठीक है, अच्छा देखते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है,
इस पोर्शन को स्टडी करने के लिए देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। क्या कर लो बेटा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। ये लीजिए सर, कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक बॉल लॉन्च करी मैंने ऐसे करके, ठीक है, गंदा बन रहा है, छी सर गंदा बना रहे हो, ठीक छी, ये लो बेटा, समझ में आ रहा है। ये क्या है लॉन्च करी बेटा, एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करी हमने, ठीक है सर। अब यहां से इसको कितने एंगल पे लॉन्च करा था, u वेलोसिटी से लॉन्च किया था, ठीक है ना। और कितने एंगल पे लॉन्च किया था बेटा हम लोगों ने, थीटा डिग्री पे लॉन्च किया था। क्या करा था, थीटा डिग्री पे लॉन्च किया था। अच्छा अब बेटा ये जो बॉल है, ये बॉल ध्यान से देखना, ये फिर यहां पर आई, यहां पर आई होगी, 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 ऐसे चल रहा होगा बॉल का, बॉल का मोशन कुछ, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि ये बॉल जो है कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही है और कुछ ना कुछ वाई एक्सिस में भी मूव कर रही है, कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही है, कुछ ना कुछ वाई एक्सिस में भी मूव कर रही है, एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, फिर नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई वाई एक्सिस में, फिर नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई वाई एक्सिस में, ठीक है ना बेटा। तो ये इसका मोशन कुछ इस तरीके का है ना, मतलब कि इसका जो मोशन है ना, ये कहां कहां देखा जा रहा है, एक तो एक्स एक्सिस के अंतर्गत देखा जा रहा है और एक वाई एक्सिस के अंतर्गत देखा जा रहा है। तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन या कभी भी कोई 2D मोशन आ जाए है ना, तो अब यार मैं बोलूंगा दो एक्सिस में चल रहा है, एक्स और वाई में चल रहा है, मान लो हो सकता है वाई और जेड में भी चल रहा है, एक्स और जेड में चल रहा हूं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं एक्स और वाई में चल रहा है मोशन, ठीक है। अच्छा तो बेटा ये जो हमारा होगा ना एक्स एक्सिस का जो मोशन होगा वो y एक्सिस के मोशन को इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कि मोशन ऑफ x एक्सिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ y एक्सिस, मतलब कि x एक्सिस और y एक्सिस के जो दोनों इंडिपेंडेंटली मोशन हो रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है बेटा ये वाली चीज, क्लियर हो रही है वाली बात, है ना। अच्छा तो ये चीज है x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में। अच्छा सर समझ आ रहा है, ये चीज तो आपने बिल्कुल एक ग्राफ डायग्राम करके बताया हमारे को। अच्छा अब सर मेरे को एक चीज पूछनी है आपसे, मैं क्या बताइए सर, कह रहा सर ये आपने बताया बहुत अच्छी बात है, हमारे को समझ में भी आया है ना काफी हद तक, है ना, ये यू है, थीटा है ना, तो कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, यू कॉस थीटा हो गया होगा और ऊपर वाला कॉम्पोनेंट क्या हो गया होगा, यू साइन थीटा हो गया होगा। ये तो एक कुदरत है ना भाई, क्या अगर मान लो u है थीटा डिग्री पे तो एक cos कंपोनेंट बनेगा, एक sin कंपोनेंट बनेगा, हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा ये वाला पॉइंट कौन सा, 0, 0 का कोई भी एक इंटरमीडिएट पॉइंट उठा लिया मैंने, x, y, क्या उठा लिया बेटा, x, y, x, y अगर ये वाला पॉइंट है तो ध्यान से देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तुम्हारा x हो जाएगा और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तुम्हारा y हो जाएगा। समझ में आ रही है, ये डिस्टेंस x है, डिस्टेंस y अगर x कॉमा y कोऑर्डिनेट है तो ठीक है, अगर ये 5, 3 होता तो ये 5 होता, ये 3 होता, सिंपल सी बात। अच्छा इसके बाद सर, इसके बाद क्या बताना चाह रहे हो बेटा, मैं तुम्हारे को कराना चाह रहा हूं रिलेशन ऑफ v वेक्टर, मतलब वेलोसिटी वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, विद टाइम, ठीक है। अच्छा ये पेपरों में कैसे पूछा जा सकता है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकलवा देना चाह रहा हूं कि तुम जस्ट देखो, यू तुम्हारे को पता होगा, तुम जस्ट टी की वैल्यू पुट करो और तुम्हारे पास क्या आ जाए, वी वेक्टर आ जाए कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इसका क्या होगा। अच्छा सर इसके लिए सर एक बार मोशन ये वाला दोबारा बना दीजिए नीचे, है ना, देख लो बेटा कोई बात नहीं, ये मोशन है बेटा हमारा, मैंने बोल दिया यहां पर क्या था, u वेलोसिटी थी थीटा डिग्री के एंगल पे, तो ये u cos थीटा हो गया था और ये u sin थीटा हो गया था। अच्छा फिर यहां पर आने के बाद इसका वेलोसिटी वेक्टर कैसे हो गया, ये हो गया सो v वेक्टर, ठीक है। अच्छा ये क्या बन गया इसका, v x कंपोनेंट और ये क्या बन गया इसका, v y कंपोनेंट, समझ आ रहा है। अच्छा कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, कोऑर्डिनेट क्या, x, y। अब ध्यान से समझना चीज को, ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मोशन क्या इंडिपेंडेंट है, तो हम छेड़ेंगे भी नहीं, ठीक है, एक्स एक्सिस को अलग सॉल्व करेंगे, है ना, और वाई एक्सिस को
अलग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको? देखो एक्स एक्सिस के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर? यू वेक्टर। मैंने कहा गधे प्रॉपर इनिशियल नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं एक्स एक्सिस के अंदर इनिशियल कितनी है। सर एक्स एक्सिस के अंदर इनिशियल है यू कॉस थीटा। कितनी इनिशियल है? यू कॉस थीटा। ठीक है, तो भाई इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितना है? यू कॉस थीटा। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितना है? यू साइन थीटा। अच्छा, और सर और कुछ? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? जीरो। और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है? माइनस जी। जितने बच्चों ने 11वीं पढ़ ली उनको इसका रीजन पता होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ी मैं बता देता हूं। देखो भाई, जब मैंने बॉल को ऐसे थ्रो किया होगा, है ना, तो थ्रो करने के बाद दो एक्सिस बन गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। थ्रो करने के बाद वाई एक्सिस में तो इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही, आजा मेरे लल्ले आजा, है ना, ग्रेविटी इसको खींच रही है ऊपर से नीचे। लेकिन एक्स एक्सिस में इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा ना, समझो बात को। वाई एक्सिस तो इसको खींच रही है नीचे, आजा लल्ले आजा मेरे तरफ आजा लल्ले, लेकिन एक्स एक्सिस में तो इसकी तरफ फोर्स नहीं लग रहा, इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, है ना। तो बेटा एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, वाई एक्सिस में लग रहा है नीचे की तरफ, है ना, और बॉडी कहां जा रही है? ऊपर। तो एक्सेलरेशन लग वाई एक्सिस कितना हो गया? जी हो गया बेटा। अच्छा सर, टाइम कितना लगा? टाइम लगा है सर टी सेकेंड्स। टाइम कितना लगा है? टी सेकेंड्स। तो यहां से क्या निकालो बेटा? तुम वी एक्स निकालो और यहां से वी वाई निकालो। अब सर वी एक्स और वी वाई निकाल के क्या करेंगे? जो हमारा वी वेक्टर होगा बेटा वो कैसा होगा? वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, इसी फॉर्म का तो होगा। तो बेटा आप निकालो जरा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, है ना। तो यहां से जो वी एक्स निकल कर आएगा वो कितना आएगा? यू कॉस थीटा। इतना निकल कर आएगा, सॉल्व करके देखना तुम लोग, ठीक है, यू कॉस थीटा। अच्छा, और वी वाई क्या निकल कर आएगा सर? वी वाई की जो एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी तुम्हारी यू साइन थीटा माइनस जी टी। यू साइन थीटा माइनस GT. तो ये तुम्हारी क्या आएगी बेटा? ये हमारी VY की एक्सप्रेशन आ गई। तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे देंगे? VX और VY की एक्सप्रेशन पुट कर दो, ठीक है। मैं कहां कर रहा हूं? यहां पर कर रहा हूं। तो VX, अब यहां पर V वेक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा? यार एक तो बता मार करो कैसी किल्लत हो रही है ना, क्या बताऊं, ठीक है। V वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा? VX की जगह पे यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस, ठीक है, ये इसका जे कैप ये VY है ना, क्या आ जाएगा? U साइन थीटा माइनस जी टी का जे कैप, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? वेलोसिटी का रिलेशन बन गया। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर मेरे को V वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे निकालूंगा? अंडर दी रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो U कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस में U साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, खत्म हो गया। लो समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना बेटा, ये चीज क्लियर हो रही होगी मेरे हिसाब से बढ़िया तरीके से एकदम। तो ये हमने क्या निकाला? वेलोसिटी का रिलेशन विद टाइम। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे अभी? वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे किसके साथ? डिस्टेंस के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ निकालेंगे, ठीक है। वो भी देख लेते हैं अपना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो ये तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, यहां पर बस डिस्प्लेसमेंट चेंज करना। अब बेटा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारी दो एक्सिस बनेंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या है बेटा? देखो एक्स एक्सिस में देखो हमारे को पता है यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। डिस्टेंस कितना? देखो अब यार एक्स एक्सिस में आते हुए इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया टी टाइम के बाद? देखो ध्यान से देखो, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया एक्स एक्सिस में, है ना। तो x है ना, और टाइम कितना लगा इसको? इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा? t, है ना। लेकिन हम ये तो हमने पहले बनाई थी t के रिस्पेक्ट में, लेकिन अब मेरे को किसके रिस्पेक्ट में बनानी है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहां पर मैं क्या लूंगा? वी एक्स कितना ले लो? वी एक्स ही रहने दो इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या हो जाएगा? यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, है ना, और वी वाई इज इक्वल टू वी वाई। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा वाई एक्सिस में? टी सेकेंड्स के अंदर, ये देखो वी वाई, वाई डिस्टेंस ट्रेवल करा ना, ये देखो, है ना, यहां पर कितना जाएगा? वाई आ जाएगा, है ना। तो अब बेटा यहां से कौन सी क्वेश्चन लगेगी इसको सॉल्व करने के लिए? वी आई यू आई ए ऐसे थर्ड लगेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, है ना।
तो यहां से वी एक्स का स्क्वायर माइनस यू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू ए की वैल्यू जीरो है ना, और एस कितना है एक्स के बराबर, ठीक है। तो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स उधर चला जाएगा, और यू एक्स की वैल्यू कितनी है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आई यू कॉस थीटा, है ना। अच्छा सिमिलरली यहां पर आ जाओ, सेम इक्वेशन लिखेगी यहां पर भी, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए कितना है माइनस जी, और एस कितना है वाई, ठीक है। तो वी वाई की जगह पे वी वाई का स्क्वायर रहने दो माइनस, है ना। अब यार एक चीज बताओ, इसको इधर लेके जाएंगे पॉजिटिव बन जाएगा, और वी वाई के यू वाई की जगह क्या लगा देंगे यू साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है तो इक्वल में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी वाई, और ये स्क्वायर हो तो यहां पर आगे क्या बन जाएगा बेटा रूट बन जाएगा। तो वी वाई आ गया, वी एक्स आ गया, है ना। तो अब यार अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो इसी में पुट कर दो, यहीं पर यहां पर पुट करके दिखा दे रहा हूं मैं। तो वी वेक्टर क्या बन जाएगा, वी एक्स कितना है यू कॉस थीटा आई कैप प्लस, है ना, वी वाई कितना है वी वाई आया ये अंडर द रूट यू साइन थीटा माइनस टू जी वाई इंटू जे कैप, है ना। और v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकल कर आएगा अंडर दी रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ना। तो ये तुम्हारे किसके बारे में हो गया, प्रोजेक्टाइल के बारे में हो गया, है ना, प्रोजेक्टाइल के। अभी देखो ये तो सिर्फ क्या हुआ है, प्रोजेक्टाइल का हमने वो निकाल लिया x निकाल लिया, वेलोसिटी विद x निकाल लिया, है ना। अभी हम क्या करेंगे, इसका एक r पोजीशन वेक्टर भी ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ट्रेजेक्ट्री की तीन इक्वेशंस निकालेंगे, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। तो मोस्ट प्रोबेबली यार इस वीडियो में ना तुम्हारे को कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एक दो न्यूमेरिकल मिल जाएगा शायद, है ना। तो बाकी तो मेरे हिसाब से तुम्हारे को नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल मिलेगा, जो कि अभी आएगी इसी के बाद, साथ में रिलीज होगी दोनों वीडियो, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, अब बेटा आ जाते हैं हम अपना डिस्प्लेसमेंट निकालने पे। देखो कैसे निकालेंगे, मैंने बोला ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी वाई एक्सिस, ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल, ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अच्छा अब सर इसके बाद प्रोजेक्टाइल के बाद, अच्छा प्रोजेक्टाइल के बाद क्या होगा बेटा, ये u वेलोसिटी से लॉन्च किया गया था, है ना, ये क्या बन जाएगा u cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा u sin थीटा, ये एंगल क्या बन गया थीटा बन गया, ठीक है सर। और कुछ और कुछ और कुछ भी इसमें है बेटा, कि मैंने माना इस पॉइंट पर आकर फिर से वही कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई, लेकिन यहां से यहां का जो पोजीशन वेक्टर था ना ये था, क्या था r वेक्टर, ठीक है। तो r वेक्टर को अगर देना चाहूंगा तो मैं कैसे दूंगा, x i कैप प्लस y j कैप, अभी पीछे बताया था, है ना। अच्छा तो मतलब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, x और y की वैल्यू निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो बड़ा आसान है, फिर से x एक्सिस को अलग कर लो, ठीक है, और y एक्सिस को अलग कर लो। x एक्सिस में क्या है यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई कितना हो जाएगा यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन कितना है बेटा जीरो, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी, टाइम कितना लगता है टी सेकेंड्स, यहां पर टाइम कितना लगता है टी सेकेंड्स, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर डिस्टेंस कितना एक्स, यहां पर डिस्टेंस कितना वाई, सॉल्व कर लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओ, एक्स इज इक्वल टू यू कितना है यू कॉस थीटा, टी कितना है टी सेकेंड्स, ठीक है, प्लस हाफ कितना है हाफ इंटू ए, तो जीरो है तो हाफ ए टी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो ये करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो वाई की वैल्यू निकल कर आएगी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एक्स आ गया वाई आ गया टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो अब क्या करो, इसकी जगह पुट कर दो, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप, एक्स की जगह क्या लगाओगे यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है, आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे कैप, खत्म हो गया। लो लो ये तुम्हारी क्या बन गई आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर बन गया टाइम के रेस्पेक्ट में, खत्म, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है यार, मस्त क्वेश्चन है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सर इसकी ट्रेजेक्ट्री पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री के लिए भी हमें आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा भाई यहां से तुम्हारे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ट्रेजेक्ट्री की अगर मैं बात करूं, ट्रेजेक्ट्री की अगर बात करूं तो देखो ये लिख लिया होगा मेरे आयो सबने लिख लिया होगा, नहीं लिखा था बैक करके फिर से लिख लेना, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री की बात करूं तो यहां से टाइम की वैल्यू निकालो,
ट्रेजेक्ट्री पता क्या होती है, किसी भी पाथ की या किसी भी मोशन की अगर तुम ट्रेजेक्ट्री बता रहे हो ना 2D में, है ना, तो उसका मतलब होता है, जैसे अगर मैं 2D की बात करूं तो x और y के बीच में रिलेशन, अगर x और y एक्सिस में मूव कर रहा हूं तो x और y के बीच में रिलेशन होता है, ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी। अगर मैं x y z 3D मोशन की बात कर रहा हूं तो x y z के अंदर रिलेशन क्या बन जाएगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी, है ना। अगर मैं x z के अंदर मोशन हो रहा है, x और z के अंदर क्या रिलेशन है, ऐसे ही x y में मूव कर रहा है तो x और y के अंदर क्या रिलेशन है, इसी चीज को हम लोग उसकी क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है बेटा, ट्रेजेक्ट्री कैसे प्रूव करेंगे, इसका पाथ कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहां से t की वैल्यू निकाल लो, x अपॉन में u cos थीटा इसमें ले जाके पुट कर दो, बात खत्म हो गई, है ना। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की जगह पे लगा दो, x अपॉन में यू cos थीटा माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर की जगह पे इस पूरे का स्क्वायर लगा दो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां से यू से यू कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है बेटा, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक एक्सप्रेशन हमारी ट्रेजेक्ट्री की क्या आई है बेटा, ये वाली आई है। सर एक एक्सप्रेशन हमारी ट्रेजेक्ट्री की क्या है, ये है। क्या इसके बाद भी सर कोई एक्स्ट्रा ट्रेजेक्ट्री की क्वेश्चन है, जी बिल्कुल, इसके अलावा भी क्या होता है बेटा, ट्रेजेक्ट्री की क्वेश्चंस होती हैं। सर जी क्या है वो इक्वेशन, दो और होती हैं जो कि आपको याद रखनी है, इसके वैसे तो क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अब यार यहां पर देखो मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर, और ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं इसको मैं, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं बेटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसका एक्सप्रेशन आएगा वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू यू स्क्वायर। तो बेटा दूसरी ट्रेजेक्ट्री की क्वेश्चन जो हमारी है वो आ गई हमारी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ये हमारी क्या आ गई, दूसरी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हमारी आ चुकी है ये वाली। सर तीसरी बताओगे, जी हाँ बिल्कुल बताऊंगा, पहले तुम लोग टाइम ऑफ लाइट, रेंज और जो तुम्हारा ये था क्या बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, इसको निकाल लो, ठीक है यार। निकलवाओ क्या, मेरे हिसाब से जरूरत तो नहीं होनी चाहिए यार, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, नहीं आता ना तो यार एक काम करो, कहीं से भी है ना देख लो उसको कि कैसे निकालता है, बस फॉर्मूले याद कर लो उसके, ठीक है। मतलब यार मेरे को लगता नहीं, वर्थ नहीं लगता यार मुझे बताने की ना, कि यार अभी मैं बताऊंगा तो लाइक मतलब टाइम वेस्ट होगा काफी बच्चों का, है ना। तो यार देख लो उसको जहां से भी है ना, बाकी फिर देखो फॉर्मूले तो याद ही होंगे मेरे हिसाब से, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी, ये फॉर्मूले होते हैं सर आपके, ठीक है। अच्छा तो सर अब यहां पर तीसरी क्वेश्चन बताओगे, बिल्कुल तीसरी क्वेश्चन बताई जाएगी, तीसरी क्वेश्चन भी इससे निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालोगे सर इससे, बता देता हूं, देखो अब एक काम करो, एक काम करो, है ना, यहीं पे बना देता हूं तीसरी क्वेश्चन, ठीक है। देखो करना क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा को एज इट इज रहने दो, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। एक्चुअल में पता, जो तीसरी क्वेश्चन है ना वो क्या है, रेंज के साथ है कंपैरिजन, ठीक है, ये रेंज आ जाएगी इसी क्वेश्चन में, है ना। तो रेंज लाने के लिए साइन टू थीटा चाहिए, है ना, और साइन टू थीटा का बहुत बच्चों का फॉर्मूला नहीं पता होगा साइन टू थीटा का, तो बेटा मैं बता देता हूं, साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो अब देखो एक्स टेन थीटा माइनस, मेरे पास क्या दिखे, क्या गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, अभी तुम बोलोगे सर जी नहीं लिखा, अभी जी लिखूंगा बेटा, टू यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर को, और जी यहां से क्या ले आया मैं, नीचे ले आया, ठीक है, जी यहां से क्या ले आया, नीचे ले आया। अच्छा अब क्या करना है, यहां पर साइन टू थीटा बनाना है, है ना। तो आप पता क्या कर दो, इसको है ना नीचे भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऊपर भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तब देखो क्या हो गया, टू कॉस थीटा साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन टू थीटा। तो बनाओ बेटा इसको, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, टू तो आएगा नहीं खैर,
यू स्क्वायर, टू कॉस थीटा साइन थीटा क्या बन गया, साइन टू थीटा, और कॉस अपॉन साइन बचा यहां पर, कॉस अपॉन साइन तो क्या बन गया कॉट थीटा, ठीक है, अपॉन में जी एज इट इज है, और इसकी जगह पे मैं क्या लगा सकता हूं, आर लगा सकता हूं, यहां पर आर लगा सकता हूं ना, तो देखो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर कॉट थीटा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा टेन थीटा, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल लिया, वन माइनस एक्स बाय आर, तो ये हमारी क्या बन गई बेटा एक्सप्रेशन बन गई, किस चीज की, तीसरी जो ट्रेजेक्ट्री की एक्सप्रेशन हमारी आ चुकी है, बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा ये जो इक्वेशन हमारी किस फॉर्म की है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर फॉर्म की है, पता है ना सबको, है ना, ये पूरा का पूरा क्या है b कांस्टेंट है, ठीक है, ये tan थीटा क्या है a कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आएगी इसमें बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमने इसकी क्वेश्चंस बनाई है। अभी हम दो तीन क्वेश्चंस करेंगे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस वीडियो नंबर टू में, चलो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। अच्छा पहला क्वेश्चन देख लो भाई, पहला क्वेश्चन जो इसमें दिख रहा है मेरे को वो दिख रहा है, पहला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, ठीक है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा एक्स है वो तुम्हारे को दे रखा है अल्फा टी क्यूब, वाई तुम्हारे को दे रखा है बीटा टी क्यूब, बीटा टी क्यूब, ठीक है, और अब तुम्हारे को स्पीड ऑफ द पार्टिकल बताना है, क्या बताना है स्पीड ऑफ पार्टिकल, बहुत बढ़िया बेटा, निकालो सॉल्व करो, चलो वीडियो पॉज करो सॉल्व करना शुरू करो, x दे रखा है y दे रखा है स्पीड ऑफ पार्टिकल बताना है, ठीक है। देखो स्पीड ऑफ पार्टिकल मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे देंगे, v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, ठीक है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इनको स्क्वायर करके रूट कर देंगे, ठीक है। अच्छा तो x दे रखा है यहां पर, ठीक है, तो अब यार अगर मैं dx अपॉन dt कर दूं, क्या करते थे तुम लोग, अगर x में एक्सप्रेशन होती थी तो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी लेकर आते थे, किया हुआ है ना ये वाला क्वेश्चन, x is equal to 3t square minus 2t plus 1 वाला, ये किया हुआ है ना क्वेश्चन 11th क्लास में सबने किया होगा यार, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, फिर उसको डिफरेंशिएट करते थे वेलोसिटी लाते थे, फिर डिफरेंशिएट करते थे एक्सेलरेशन लाते थे, तो अब यार dx by dt कर दिया मैंने, क्या आ जाएगा vx आ जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा 3 अल्फा t स्क्वायर, है ना, सिमिलरली y को डिफरेंशिएट कर दो dy upon dt क्या आ जाएगा v y आ जाएगा 3 बीटा t स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो भाई अब तुम्हारी ये वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी, क्या आ जाएगा इस वाली एक्सप्रेशन में 3 अल्फा t स्क्वायर i कैप प्लस 3 बीटा t स्क्वायर j कैप, है ना, और अब किसी को अब तुम्हारे को मैग्नीट्यूड निकालना हो तो बड़ा ही सिंपल है ना, मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर द रूट 9 अल्फा स्क्वायर t 4 प्लस 9 बीटा स्क्वायर t 4, है ना, तो यहां पर क्या जाएगा 3 टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा अंडर द रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा, ये हमारी स्पीड है, ठीक है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही मतलब एफर्टलेस क्वेश्चन है, बिल्कुल बिना एफर्ट के सॉल्व करना है बेटा क्वेश्चन, समझ में आ गया। चलो बेटा नेक्स्ट पे जंप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा हमारा बड़ा ही सही है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या है मिटा दे रहा हूं उसको। देखो बेटा अब तुम्हारे को ये दो इक्वेशन दे रखी है प्रोजेक्टाइल की, एक प्रोजेक्टाइल ये एक प्रोजेक्टाइल ये, तुम्हारे को साफ दिख रहा होगा इस चीज पर बेस्ड है ना। अच्छा अब तुम्हारे को क्या दे रखा है, तुम्हारे को बोल रखा है कि क्या बोला है इन्होंने, इन्होंने बोला है कि इन दोनों प्रोजेक्टाइल की है ना रेंज बराबर है, क्या है रेंज क्या है बेटा इक्वल है, रेंज क्या है इक्वल है ना। तो अब यहां पर तुम्हारे को कंडीशन बतानी है, कौन सी कंडीशन सही है, ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू, है ना, सेकेंड कंडीशन दे रखी है a1 वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू ए टू अपॉन बी वन, तीसरी कंडीशन दे रखी है a1 वन ए टू इज इक्वल टू बी वन बी टू, ठीक है, तीसरी कंडीशन दे रखी है ना, और चौथी कंडीशन नन ऑफ दी अबव दे रखा है, ठीक है बेटा। तो अब जरा फाइंड करके बताओ जरा क्या आने वाला है इसका आंसर, ढंग से देख के बताओ कि क्या आएगा इसका आंसर, कैसे सॉल्व करेंगे सर जी हम इसको, सोचो इसका ना थोड़ी यार, वाई क्या है वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, यही चीज है ना। अब देखो भाई चुटकियों में सॉल्व कराते हैं इस क्वेश्चन को, तुम पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे हो इसको, पता है अब मैक्सिमम बच्चे इसको है ना इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे रेंज की फॉर्म में, ताकि रेंज बराबर रख के हम इक्वल कर दें। बेटा देखो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, लेकिन बहुत लंबा पड़ जाएगा, मैं बढ़िया तरीका बता रहा हूं तुम लोगों को, एक बहुत बढ़िया तरीका है ना। अब ये थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग खोलेगा कि भाई जेई मेंस पे आ गए हैं हम लोग, अभी तो मैं थ्योरी करा रहा था पूरी, अब प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं बेटा फटाफट से, ठीक है। अब देखो मैंने बोला ये मेरी क्या एक्सिस है, ये देखो है ना,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस रेंज का बोलूं तो ये एक्स हो गया, रेंज के लिए बोलूं तो ये एक्स हो गया। तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, एक्स कॉमा जीरो फॉर्म के होंगे नहीं होंगे? सिंपल सी बात बताओ भाई, एक्स कॉमा जीरो अगर मैं बोलूं इसको रेंज आर बोल दूं तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर कॉमा जीरो फॉर्म के हो जाएंगे इस पर, है ना। और ये पॉइंट भी क्या इसकी ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि दोनों की रेंजेस क्या है, सेम है। समझ आ रहा है? तो बस कर दो ना, लगाओ y इज इक्वल टू जीरो पुट करो, x इज इक्वल टू आर पुट करो, क्या आ जाएगा पहली क्वेश्चन में, जीरो इज इक्वल टू ए वन आर माइनस बी वन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको इधर लेकर आओ, क्या आ जाएगा, बी वन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन आर, आर से आर कैंसल हो गया, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू ए वन अपॉन बी वन आएगा, सिमिलरली आर इज इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू आ जाएगा, तो कंडीशन क्या बन गई, ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू, खत्म, खात्मा बेटा क्वेश्चन का, क्वेश्चन का खात्मा हो गया। ये सारे अभी देखो ट्रेजेक्ट्री पढ़ाई हुई ना, इसीलिए मैं ट्रेजेक्ट्री पे क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री एक बार क्लियर हो जाए, राइट। तो यार ये बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम खत्म क्वेश्चन, बढ़िया एकदम मजा आ गया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे जंप करिए बेटा, बिल्कुल सर जी अगले क्वेश्चन का ही वेट कर रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन बेटा एक काम करते हैं, प्रीवियस ईयर से निकालते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर देखते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा प्रीवियस ईयर करना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी बच्चे प्रीवियस ईयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है ना, इसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, कैसे दे रखी है दिखाते हैं। इसने बोला यू इज इक्वल टू दे रखा है आई कैप प्लस टू जे कैप, ठीक है, यही दे रखा है इसने, दे रखा आई कैप प्लस टू जे कैप, है ना। अच्छा ये इनिशियल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ना। अब उसने चार इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, चार इसने ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फिर y इज इक्वल टू दे रखा है टू एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है, तीसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है फोर वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है, और चौथा दे रखा है फोर वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर। तो इन चारों में से कौन सी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो बेटा मैं एक चीज बता दे रहा हूं तुम्हारे को, बड़ी सिंपल सी चीज बता दूंगा, ये तुम्हारे जो सेकेंड वाली क्वेश्चन थी ना ट्रेजेक्ट्री की, उससे सॉल्व होगा, है ना। देखो अब जो तुम्हारा टेन थीटा होता है ना बेटा, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, वी वाई अपॉन में वी एक्स, किसी भी पॉइंट पे पढ़ा है ये चीज हमने, है ना, क्योंकि मान लो ये तुम्हारा ये ट्रेजेक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर बोलते हैं हम लोग ये वी है ना, तो और यहां पर हमने क्या कर दिया, दो कॉम्पोनेंट निकाल दिए इसके, है ना, ये तुम्हारा एक्स कॉम्पोनेंट हो गया वी एक्स, और ये तुम्हारा वाई कॉम्पोनेंट हो गया वी वाई, ये एंगल थीटा है, तो इसको कॉरस्पॉन्ड करके तुम यहां पर भी बना सकते हो, पैरेलल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है ना, किसी को कॉरस्पॉन्ड करके यहां पर भी बना सकते हो, तो ये वी वाई हो गया, है ना। सो टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है वी वाई, बेस क्या है वी एक्स, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स। चलो तो ये वाली बात समझ में आई, है ना। तो अब यार तुम्हारे को क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, वी की एक्सप्रेशन दे रखी है वेलोसिटी की, है ना, वी वाई क्या है टू, वी एक्स क्या है वन, ये वी वाई है वी एक्स है, ठीक है। अच्छा अब क्या आ जाएगा सर, क्या करूं इसमें, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई कितना, टू अपॉन वन, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री की क्वेश्चन क्या थी, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, है ना, और यहां पर क्या आ गया था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही थी एक्सप्रेशन। टेन थीटा की जगह पे बेटा क्या पुट कर दो, सिर्फ टेन थीटा की जगह पे पुट कर दो टू, ठीक है, टेन थीटा की जगह पे टू पुट कर दो। सर जी यू कहां जाएगा, यू कहां जाएगा, जी की वैल्यू टेन है ना, यू कहां जाएगा, यू का निकाल लो ना बेटा कितना आएगा, अंडर दी रूट वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट फाइव आ जाएगा। इसमें पुट करो सारी वैल्यूज, चार ऑप्शंस में से देख लो कौन सा सही आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस बेटा मैंने किस पे करा दिए, तुम लोगों को ट्रेजेक्ट्री पे करा दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी के साथ, है ना, उसमें क्या होंगे, और ज्यादा प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्या होंगे क्वेश्चंस होंगे, है ना। फिर अगली, उससे अगला जो थ्योरी लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल होना
मूविंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, और क्या नाम है इनक्लाइंड प्लेटफॉर्म, फिर उसके क्वेश्चंस कर लेंगे दो लेक्चर्स में खत्म करके, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइल भी खत्म हो जाएगा, फिर हम अपना लॉज ऑफ मोशन भी खत्म करेंगे, ठीक है बेटा। तो बस यही आज के लिए, ठीक है, जिंदाबाद, ऑल दी वेरी बेस्ट, लेक्चर्स पूरे पूरे देखा करो यार, जुड़ जाओ चैनल से, बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं हम लोग बहुत ज्यादा। जय हिंद, जिंदाबाद।